राधे, आज हम सीखने वाले हैं सिंपल अम्ब्रेला कट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग दोनों हम डिटेल में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने फैब्रिक लेना है, फ्रंट पार्ट, जो हमें अपर पार्ट कटिंग करनी है। फ्रंट और बैक पार्ट दोनों हम एक साथ कटिंग करेंगे। ये अम्ब्रेला कट कुर्ती हम बहुत ही सिंपल बनाने वाले हैं। इसमें कोई भी डिजाइनर गला या डिजाइनर बाजू कुछ भी नहीं होने वाली है। ये बहुत ही सिंपल रहने वाला है। सबसे पहले हमने दो पार्ट कटिंग करी है, जिनकी चौड़ाई हमने 22 इंच अपनी फिटिंग के हिसाब से और लंबाई हमने 14 इंच, जो तैयार करने के बाद कोटी की जो हमारी लंबाई है वो 13 इंच रह जाएगी। अभी 14 इंच है, सिलाई के बाद ये 13 इंच रह जाएगी, चौड़ाई 22 इंच। अब हमने मुड्ढे का जो निशान लगाया है, हमने लगाया है वो 6.5 इंच पर। ये हम विदाउट स्लीव्स बनाने वाले हैं, ये आप ध्यान रखें। ये हमने नीचे की तरफ भी 6.5 इंच निशान लगाया है। इस प्रकार हम आर्म होल की कटिंग करेंगे गोलाई देकर। गले को मैंने कटिंग करी है 3 इंच पर। अभी आप देखें, मैं गले की कटिंग बाद में करूंगी, तो मैंने गले की जो चौड़ाई वो रखी है वो मैंने 3 इंच रखी है। ये मैंने आगे के आर्म होल में गहराई कट करी है। गले की गहराई 4 इंच, हम गला छोटा ही रखने वाले हैं, तो हमने गले की गहराई 4 इंच रखी है, ज्यादा नहीं रखी है, और चौड़ाई हमने रखी है 3 इंच। चौड़ाई हमने 3 इंच रखी है, जो ये तैयार होने के बाद ये 3.5 इंच हो जाएगी। मतलब पूरी चौड़ाई अगर हम देखें तो गले की जो पूरी चौड़ाई है वो 7 इंच हो जाएगी। अब हम जो अम्ब्रेला कट करने वाले हैं उसके लिए मैं कपड़ा फोल्ड कर रही हूँ और इसे मैं 4 फोल्ड करूंगी, ये ध्यान रखें, क्योंकि हम इसमें से 2 अम्ब्रेला कट निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसे 4 फोल्ड करेंगे। इस 4 फोल्ड को हमें ये ध्यान रखना है कि जितनी इसकी लंबाई हो उतनी ही इसकी चौड़ाई होनी चाहिए, मतलब सेम रखना है। और बाकी आप अपनी कुर्ती की लंबाई कितना रखना चाहते हैं उसके हिसाब से भी है। जैसे आपकी ऊपर पार्ट की जो लंबाई है वो सिलाई के बाद 13 इंच रह जाएगी, फिर आप नीचे कितना इसे लंबा रखना चाहते हैं अम्ब्रेला कट को, वो आपके हिसाब से है। जैसे मैंने इसकी जो पूरे की चौड़ाई है वो 40 इंच रखी है, और ये मैंने सेंटर से जो कोना है उससे जो निशान लगाए हैं ये 40-40 इंच पे पूरे निशान लगा दिए हैं। ये मैंने 5.5 इंच पे एक निशान लगाए थे। आपको ना ये देख लेना है कि गोला हमें कितना रखना है। अगर आपकी कमर का जो फिटिंग है वो 16 इंच, मतलब 16 इंच है आधी, मतलब 32 इंच है अगर पूरी तरीके से देखें, तो उसका हमें चौथाई रखना है। तो हमने 8 इसका जो हमने जो गोलाई रखी वो हमने रखी है 8, जो ऊपर की कमर की जो गोलाई रखी है वो हमने 8 रखी है। जैसे 32 का जो चौथाई है वो 8 है, तो उस तरीके से हमने 8 रखी है। और थोड़ा हम एक्स्ट्रा जो हम स्टिच करेंगे उसके लिए भी हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे 1/2 इंच का। अब हमने गले के लिए और आर्म होल पर लगाने के लिए अरेबिक पट्टी कट करनी है। हम बाजू नहीं बनाने वाले हैं, विदाउट स्लीव से बनाने वाले हैं, तो हमें अरेबिक पट्टी कट करनी है बाजू में लगाने के लिए भी, जो हम आर्म होल पे लगाएंगे और जो हम गले पे लगाएंगे उसके लिए भी। तो मैंने 4 अरेबिक पट्टी कट करी है। ये अरेबिक पट्टी बाजू पर और गले पर किस प्रकार से लगाई जाएंगी ये आपको सिलाई के टाइम पर पता चलेगा। हमारी कंप्लीट कटिंग हो चुकी है, अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। ये अरेबिक पट्टी मैंने उल्टी साइड से लगानी स्टार्ट करी है और इसे हम सीधी साइड की तरफ मोड़ेंगे। ये कट इसलिए लगाए जाते हैं ताकि जब हम गोलाई में इसे मोड़ते हैं तो ये पीछे की तरफ सफाई से मुड़ता है। अगर ये कट नहीं लगाते हैं तो हमें मोड़ने में दिक्कत होती है। अब ये मैंने आगे की तरफ मोड़ दिया है और बिल्कुल किनारे पर सफाई से सिलाई चलानी है। ये एक पार्ट तैयार हो चुका है, इसी तरीके से हमने दूसरा पार्ट भी तैयार कर लिया और अब हम
ये मुड्ढे को जोड़ेंगे। हमें ये देख लें कि मुड्ढे को हमें टेढ़ा जोड़ना है, मतलब जो जो आर्म होल की तरफ हमें 1 इंच दबाना है और गले की तरफ आधा इंच दबाना है। अब हम आर्म होल पर भी ऐसे अरेबिक पट्टी लगाएंगे, ये भी हम उल्टी तरफ से लगाना स्टार्ट करेंगे और हम इसे आगे की तरफ मोड़ देंगे जैसे हमने गले पे करा है। ये कट आप ज़रूर लगा लें, ये ध्यान रखें, और सिलाई ना कटे ये भी ध्यान रखना है, और इसे भी हम आगे की तरफ मोड़ देंगे। दोनों आर्म होल पर हम इसी प्रकार से अरेबिक पट्टी को अटैच करेंगे। अब हम लगाएंगे फिटिंग। चेस्ट की हमने जो फिटिंग लगाई है वो हमने लगाई है 17.5-18 इंच पे लगाएं, आप अपनी फिटिंग के हिसाब से लगा सकते हैं। मैंने 18-17.5 इंच के करीब पे लगाई है, और ऐसे ही हम नीचे भी ये फिटिंग लगाएंगे। कमर की जो मैं आपको 16 बता रही थी वो मैंने ऐसे ही 15.5 के करीब ऐसे लगाई है, क्योंकि मैंने वो 16 कट किया था, वो मैंने 16 इसलिए कट करा था ताकि वो स्टिच में भी थोड़ा बहुत जाएगा। और मैंने यहाँ पर फिटिंग जो लगाई है वो 15.5 पे लगाई है, जो कमर की फिटिंग मैंने लगाई है तो 15.5 इंच पे लगाई है। ऊपर की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब हमें नीचे की स्टिचिंग करनी है। अब जो साइड से मैंने 2 अम्ब्रेला कट करे थे तो हमें दोनों साइड स्टिच लगानी है। आप कमर का नाप लें कि हमें कितना ये कमर का चाहिए, क्योंकि हम जब अम्ब्रेला कट कटिंग करते हैं और उसे हम खोल के देखते हैं तो वो पता नहीं कैसे ज़्यादा हो ही जाता है थोड़ा बहुत। तो हम क्या करेंगे, इसे साइड से हम स्टिच ज़्यादा कर लेंगे, जितना भी एक्स्ट्रा हो उसे हम साइड से दबा देंगे। अब हमें अपर पार्ट को भी इसे अटैच कर देना है, और हमें क्या करना है, हमें सीधी सीधी तरफ है ना एक साइड रखनी है और उल्टी तरफ से सिलाई चलानी है। दोनों पार्ट अटैच हो चुके हैं, आप देख लें। अब हमें क्या करना है, जो ये नीचे है इस पर मोड़ना है इसे। आप चाहें तो इस पर पीको कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। ये मोड़ने के बाद आप देखें ये कैसा है, ये प्रेस करने के बाद इसमें एकदम सफाई आ जाएगी। अब हम अपनी चॉइस के हिसाब से इस पर पैच वगैरह लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने बिल्कुल सिंपल कपड़ा लिया था तो मैं इस पर पैच लगाना ज़्यादा प्रेफर करूँगी ताकि ये थोड़ा सा सुंदर लगे, क्योंकि एकदम सिंपल था ये। आप ये पैच कहीं भी लगा सकते हैं, मैंने ये इधर लगाया है जहाँ पे स्टिच आ रही है, आप ये ऊपर भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी, आप कहीं भी इसे अटैच कर सकते हैं। कुर्ती बनकर तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं इसका घेर कितना ज़्यादा है क्योंकि इसमें डबल अम्ब्रेला कट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।